आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? इंटरेस्ट क्वेश्चन। टेक टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डिफरेंट साइज, कलेक्ट द सनलाइट ऑन अ पेपर यूजिंग वन ऑफ लेंसेज। द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर व्हाइल। नोट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेपर टू स्टार्ट बर्निंग। रिपीट द प्रोसेस फॉर द सेकेंड लेंस। इफ द टाइम रिक्वायर्ड द सेम इन बोथ केसेस, वाट कैन यू टेल फ्रॉम दिस। तो गाइज, अगर हम बात करें कि हमारे पास दो डिफरेंट साइज के लेंस हैं, तो वी कैन से कि अगर हमारे पास लेंस की बात करें तो लेंस का साइज डिफरेंट है, डेट विल लेंस वन एंड लेंस टू। तो हमने कोई भी दो लेंस कंसिडर कर लिया। सपोज हमने कॉन्वेक्स लेंस ही कंसिडर किया कि इस लेंस की साइज को दूसरी है, और हमने एक दूसरा लेंस कॉन्वेक्स कंसिडर किया जिसकी साइज किया है हमने कुछ दूसरी ले ली। और गाइज यहाँ पे ये बोला है कि अगर लेंस की साइज अलग अलग है, तो वी कैन से कि लेंस की फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी। हमने उनकी फोकल लेंथ को F1 और F2 मान लिया, और इन लेंस का यूज करके किसी पेपर को जलाना शुरू किया जाता है। अगर हम टाइम की बात करें तो हमें पता है कि पेपर जलता कब है। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस सन से आने वाली पूरी लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस करता है, तो इंटेंस लाइट की हीटिंग की वजह से पेपर जलना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि इन दोनों लेंस की अपनी कैपेसिटी होती है लाइट को कन्वर्ज करने की। तो वी कैन से कि डेट कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग लाइट, वी कैन से कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो फोकल लेंथ अगर साइज अलग है तो फोकल लेंथ अलग होगी, तो उनकी कैपेसिटी अलग होगी। और अगर उनकी कैपेसिटी अलग होगी, इसका मतलब वो अलग अलग टाइम लेंगी पेपर को जलाने के लिए। तो वी कैन से कि यहाँ पे टाइम सेम होने वाला नहीं है, टाइम अलग अलग होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।